क्या दोस्तों आपको भी YouTube पर वीडियो डालते डालते एक साल दो साल तीन साल हो चुका है एंड आपका चैनल नहीं ग्रो हुआ है। आप अपने हिसाब से अच्छा वीडियो डालते हैं, अच्छा थंबनेल लगाते हैं, सारा कुछ अच्छा सा करते हैं, फुल मेहनत करते हैं, फिर भी आपका चैनल नहीं ग्रो हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है, क्या मिस्टेक करें एंड आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका चैनल ग्रो हो, वो भी दोस्तों बहुत ही कम दिनों के अंदर। आप लोग क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन आप दोस्तों चल रहा है 2023, अब यहाँ पे आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। यदि आप अपने चैनल पर स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपका चैनल 15 दिन में 20 दिन में 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में बहुत ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीने के अंदर आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा 1-1 महीने में उनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। एंड दोस्तों एग्जांपल के ले लीजिए, मुझे ही आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट से मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है केवल 1.5 मंथ के ही अंदर। ये तो सिर्फ आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट से ही पॉसिबल हो पाया है। एंड दोस्तों मैंने क्या किया है, आपको क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों बहुत सारे क्रिएटर वीडियो अपलोड करते रहते हैं, चैनल नहीं ग्रो होता, तो बस वो ट्रिक ढूंढते रहते हैं कौन सी ट्रिक हम लगाएं कि अपना चैनल ग्रो कर लें, वीडियो वायरल कर लें। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में कुछ पॉइंट दूंगा, कुछ मैं आपको बताऊंगा जिनको यदि आप फॉलो करोगे तो दोस्तों आपका चैनल जल्द ही ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बता रहा हूं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग के साथ साथ नॉलेजबल भी होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें एंड दोस्तों मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चलिए शुरू। दोस्तों जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वो हमारे चैनल का कैटेगरी। दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, कैटेगरी वगैरह नहीं सिलेक्ट करते हैं, सिंपली चैनल क्रिएट करते हैं एंड उस पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर देते हैं। यही एक बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप अपने चैनल पर कैटेगरी नहीं सिलेक्ट किए, आप ब्लॉगिंग का वीडियो बनाते हैं लेकिन आप अपने चैनल पर कैटेगरी नहीं सिलेक्ट किए हैं, यूट्यूब आपको वीडियो को लोग ब्लॉग देखते हैं उनके पास नहीं पहुंचाता क्योंकि आपने कैटेगरी ही नहीं सिलेक्ट किया। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं ब्लॉग देखना नहीं पसंद करता हूं एंड दोस्तों आपने अपने चैनल पर कैटेगरी नहीं सिलेक्ट किया तो यूट्यूब आपके ब्लॉग को मेरे पास भेजेगा तो मैं उस ब्लॉग को देखूंगा ही नहीं, तो आपका वीडियो नहीं वायरल होगा, चैनल डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने चैनल की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए। इसके बाद सेकंड नंबर पे ऑप्शन आता है हमारे दोस्तों, जब हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं वहां पर दो ऑप्शन आते हैं, एक दोस्तों आता है यस मेड फॉर किड्स, एक आता है नो मेड फॉर किड्स। अब यहां पर बहुत सारे क्रिएटर्स गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। यस मेड फॉर किड्स का मतलब होता है आपकी जो वीडियो है ये बच्चों से रिलेटेड है, बच्चे इसको देखना पसंद करते हैं, तो आप यदि यस पर क्लिक करेंगे तो उस वीडियो को जो बच्चे लोग होते हैं उनके पास आपकी ये वीडियो यूट्यूब भेजता है, उनके पास आपकी वीडियो जाएगी एंड आपकी जो वीडियो है वो बच्चों से रिलेटेड नहीं है, तो आपको जब अपना वीडियो आप अपलोड करते हैं तो उस टाइम पे ये दो में आपका जिस भी रिलेटेड आपका वीडियो है वही आपको सिलेक्ट करना, सही चीज सिलेक्ट करना, तभी आपका वीडियो वायरल होगा, चैनल ग्रो होगा। ये दो पॉइंट हो गए। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो होता है दोस्तों वो हमारे वीडियो का थंबनेल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे वीडियो को वायरल कराने के लिए एंड जब दोस्तों वीडियो वायरल होगी तो सिंपल सी बात है चैनल ग्रो होगा। तो दोस्तों आपको अपने वीडियो का जो थंबनेल होता है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा बनाना है, क्योंकि जब किसी के ब्राउज फीचर पे कहीं पे भी आपकी वीडियो जाती है तो सबसे पहले आपको वहां पर थंबनेल ही दिखाई देता। आपके सब्सक्राइबर 0 हो 2 हो 4 हो व्यूज ना आता हो लेकिन यदि आपने थंबनेल अट्रैक्टिव बना दिया है एंड बंदे को थंबनेल देख के मजा आ गया तो उस वीडियो पर जरूर ही क्लिक करेगा। तो दोस्तों आपको अपना थंबनेल बहुत ही अच्छा बनाना, अट्रैक्टिव बनाना है ताकि लोग उस पर मजबूर हो जाएं क्लिक करने के लिए। एंड मेरे हिसाब से तो दोस्तों आपका 75% थंबनेल ही काम करता है वीडियो को वायरल कराने के लिए। तो आपको एक अच्छा प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट करना चाहिए अपने वीडियो के लिए। नहीं कर पाते तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पड़ी आप देख लीजिए। दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट भी हो गया। इसके बाद चौथा पॉइंट है दोस्तों SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों क्या होता है, आप लोग जब स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो आपको SEO के बारे में नहीं मालूम होता है। जैसे कि SEO में आता है हमारा टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, ये सारा कुछ आता है। एंड दोस्तों आप अपने वीडियो पर यदि अच्छे से SEO कर लेते हैं तो आपके वीडियो सर्च में भी जा सकती है। इससे क्या होगा दोस्तों, आप अपने वीडियो पर अच्छे टैग लगाए, अच्छे डिस्क्रिप्शन लगाया, अच्छा टाइटल लगाया तो कोई भी बंदा उस टॉपिक को सर्च किया तो आपने यदि अच्छे से SEO किया है, क्योंकि YouTube पर जो एल्गोरिथम होता है वो आपके टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन से ही आपके वीडियो को पहचान पाता है कि आपका वीडियो किस टॉपिक पर बना है एंड बंदा उस टॉपिक को सर्च करेगा, तो आपका यदि SEO अच्छे से है तो आपके वीडियो वहां पर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे जिससे आपकी दोस्तों वीडियो वायरल हो सकती है। तो आपको SEO अच्छे से करना है एंड वो टाइटल, वो टैग, वो डिस्क्रिप्शन बनना है जो आपको वीडियो को रैंक करा सके, वीडियो को वायरल करा सके। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन कहां से बेस्ट फाइंड करें, तो आपको वही टाइटल रखना है जो लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं तभी आपकी वीडियो वायरल होगी। एंड आपको डिटेल में समझना है तो मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी है उनको देख लीजिए, आपको सारा कुछ डिटेल बाय डिटेल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों SEO भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके वीडियो को वायरल
कराने के लिए। एंड दोस्तों जब वीडियो वायरल होगी तो सिंपल सी बात है चैनल ग्रो होगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है वो है दोस्तों आपके वीडियो अपलोडिंग का टाइमिंग। आप दोस्तों एक टाइम निश्चित कर लीजिए कि मेरी वीडियो इस टाइम पर आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों उससे क्या होता है कि आपके ऑडियंस को पता चल जाता है कि हाँ भाई इस बंदे का इस टाइम पे वीडियो आ जाता है, जिससे दोस्तों आपकी ऑडियंस उस टाइम का इंतजार करते हैं कि भाई का वीडियो आने वाला है, भाई का वीडियो आने वाला है। इस वजह से जैसे ही आप अपने वीडियो को अपलोड करेंगे आपकी ऑडियंस आपके वीडियो को वॉच करेगी, क्योंकि वो वहां पे इंतजार कर रही होती है एंड उस ऑडियंस को पता होता है कि भाई का इस टाइम पे वीडियो आने वाला है। तो सिंपल सी बात है आपकी ऑडियंस आपके वीडियो को वॉच करेगी। एंड दोस्तों जब आपकी ऑडियंस आपके वीडियो को वॉच कर लेती है ना, तो यूट्यूब बहुत सारे लोगों के पास आपकी वीडियो को भेज देता है, जिससे आपकी वीडियो वायरल हो जाती है, चैनल ग्रो हो जाता है। तो आपको एक टाइमिंग जरूर ही सिलेक्ट कर लेना है, एक टाइमिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसा दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मेरी वीडियो 5 से 6 बजे आ जाती है, तो इसी के बीच में मैं 5 से 6 बजे 6:30 बजे तक वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, जिससे मेरी ऑडियंस को पता होता है कि भाई का इस टाइम पे वीडियो आने वाला है। एंड मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छा प्यार एंड सपोर्ट देते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि हम दिन में कितनी वीडियो अपलोड करें, 2 वीडियो अपलोड करें, 1 वीडियो अपलोड करें, 3 वीडियो अपलोड करें, या फिर 2 दिन में 1 वीडियो अपलोड करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि आप जैसे दोस्तों आप मेरे कैटेगरी का वीडियो बना रहे हैं तो आपको रेगुलर तो 1 वीडियो अपलोड ही कर देना चाहिए, क्योंकि दिन भर में 1 वीडियो अपलोड करेंगे इतना तो कर ही सकते हैं आप। यदि यूट्यूब पर आप वर्क करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो दिन में 1 वीडियो तो आपको अपलोड ही कर देनी चाहिए मैक्सिमम, एंड 1 से ज्यादा भी मन हो तो कर दीजिए, बट 1 ही करना है आपको दिन में, केवल आप 1 वीडियो अपलोड करिएगा। एंड दोस्तों सारा कुछ अच्छे से करिएगा, टाइमिंग आपको जरूर ही सिलेक्ट कर लेना है। एंड दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि जो SEO में आप डिस्क्रिप्शन लगाते हैं ना, वहां पर बहुत सारे लोग कुछ कीवर्ड्स जो ऐड करते हैं उनमें कॉमा लगा देते हैं। यदि ये आप कॉमा लगाएंगे तो आपका चैनल नहीं मोनेटाइज होगा एंड दोस्तों आपकी पूरी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। तो यही कुछ पॉइंट थे एंड यही कुछ तरीका था। बहुत सारे लोग सोचते ट्रिक लगाए तो अपने चैनल को ग्रो कर पाए, वीडियो वायरल कर पाए, तो भाई ट्रिक के चक्कर में ढूंढते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे यूट्यूब पर। जब तक आप यूट्यूब पर टाइम नहीं दोगे, मेहनत नहीं करोगे, रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड करोगे, तो भाई चल रहा है 2023, यहां पर कंटेंट से ज्यादा क्वालिटी मायने रखती है। आपको अपने वीडियो की क्वालिटी भी इंप्रूव करना पड़ेगा, सारा कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा, यूट्यूब पर टाइम देना पड़ेगा। एंड यहां पर ट्रिक तो कोई भी नहीं होती, आप मेहनत करके इसी प्रकार जिन जिन पॉइंट को मैं बताया हूं उन पॉइंट को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका भी चैनल ग्रो होगा। यही कुछ पॉइंट थे, उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज अपना छोटा भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड वंदे मातरम।